नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपदीय अने तेनो भाग 1 विषय अभ्यास करीशुं। भाग 1 में आपणे चल, बहुपदी की घात, बहुपदी अने बहुपदी ना प्रकारों विषय जोईशुं। तो सौ प्रथम जोईए आपणे चल एटले शुं। जे भिन्न किंमतों धारण करी सके, जे भिन्न भिन्न एटले अलग अलग किंमतों धारण करी सके तेवी संज्ञा ने चल कहेवामां आवे छे। सामान्य रीते चल ने एक्स वाय झेड वगैरे संकेतों वडे दर्शावाय छे। हवे जोईए बहुपदीनी घात। ज्यारे बहुपदी प्रमाणित स्वरूपमां लखेली होय, केवा स्वरूपमां? प्रमाणित स्वरूपमां, त्यारे तेनुं प्रथम पद ए अग्रपद छे। प्रथम पद ए अग्रपद एटले के पहेलुं पद एनुं आगळनुं पद छे अने तेमां चलनो घातांक ए बहुपदीनी घात कहेवाय। फरी एकवार, ज्यारे बहुपदी प्रमाણિત સ્વરૂપમાં લખેલી હોય ત્યારે તેનું પ્રથમ પદ એ અગ્રપદ છે અને તેમાં ચલનો ઘાતાંક એ બહુપદીની ઘાત છે। હવે જોઈએ બહુપદી એટલે શું। જે પદમાં એક કરતાં વધારે પદ હોય તેને બહુપદી કહેવામાં આવે છે। તો એક્ઝામ્પલ 2x + 3 કેટલા પદ છે? 2 પદ। બીજું એક્ઝામ્પલ છે 5a - 3b + c કેટલા પદ છે? 3। અને ત્રીજો એક્ઝામ્પલ છે 8z - 7। તેવી જ રીતે સામાન્ય રીતે બહુપદીઓને p(x) અને q(x) વગેરે જેવા સંકેતોથી દર્શાવાય છે। તો તેનું પહેલું એક્ઝામ્પલ લઈએ p(x) = 2x - 4 અને બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ q(x) = 5y + 9। આપણે ત્રણ ટોપિક પૂરા કર્યા, હવે પાર્ટ 1નો છેલ્લો ટોપિક, તો કે બહુપદીઓના પ્રકારો। બહુપદીઓના પ્રકારો, તો પહેલો પ્રકાર જોઈએ શૂન્ય બહુપદી। અચળ બહુપદી 0ને શૂન્ય બહુપદી કહે છે। અચળ બહુપદી 0ને શૂન્ય બહુપદી કહે છે। શૂન્ય બહુપદીઓનું વ્યાપક સ્વરૂપ કેવું હોય? 0। તેની ઘાત પણ અવ્યાખ્યાયિત અને એક્ઝામ્પલ તરીકે આવશે 0। હવે બીજી બહુપદી જોઈએ, અચળ બહુપદી। તો કે જે બહુપદીની ઘાત કેવી હોય? 0 હોય। જે બહુપદીની ઘાત 0 હોય તે બહુપદીને અચળ બહુપદી કહેવામાં આવે છે। અચળ બહુપદીઓનું વ્યાપક સ્વરૂપ p(x) = k, તેની ઘાત કેવી હોય? 0। ફોર એક્ઝામ્પલ 9 અને -7/8, આ બે પદો કેવા પદો છે? અચળ પદ, એટલે તેની ઘાત પણ કેવી આવશે? 0। હવે જોઈએ બહુપદીનો ત્રીજો પ્રકાર, સુરેખ બહુપદી। સુરેખ બહુપદીને એકઘાત બહુપદી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો સુરેખ બહુપદીની વ્યાખ્યા, જે બહુપદીની ઘાત કેટલી હોય? 1 હોય, તે બહુપદીને સુરેખ બહુપદી કહેવામાં આવે છે। સુરેખ બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ ax + b, તેની ઘાત કેટલી હોય? 1, અને એક્ઝામ્પલ તરીકે 3x - 5, એક્સની ઉપર કેટલી ઘાત છે? 1, અને 4x + 3, તેમાં પણ એક્સની ઉપર કેટલી ઘાત છે? 1 ઘાત। જોઈએ બહુપદીનો ચોથો પ્રકાર, દ્વિઘાત બહુપદી। દ્વિઘાત, દ્વિ એટલે બે ઘાત। જે બહુપદીની ઘાત કેટલી હોય? 2 હોય। જે બહુપદીની ઘાત 2 હોય તેવી બહુપદીને દ્વિઘાત બહુપદી કહે છે। દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ આવશે ax² + bx + c, તેની ઘાત કેટલી છે? 2, અને એક્ઝામ્પલ આવશે, પહેલું એક્ઝામ્પલ લઈએ 5x² - 4x + 3। હવે એક્ઝામ્પલમાં 5x² એક્સની ઉપર કેટલી ઘાત છે? 2, તો આ કઈ બહુપદી થઈ? દ્વિઘાત બહુપદી। અને બીજું એક્ઝામ્પલ છે 6x² + 7x + 8, તેમાં પણ x² ઉપર કેટલી ઘાત છે? 2, તો આ કઈ બહુપદી થઈ? દ્વિઘાત બહુપદી। હવે જોઈએ બહુપદીઓના પ્રકારોમાં છેલ્લો પ્રકાર, પાંચમો પ્રકાર, ત્રિઘાત બહુપદી। ત્રિઘાત એટલે કે 3 ઘાત।
तो चलो व्याख्या जुए। जे बहुपदी की घात त्राण होय, केटली होय? त्राण होय, ते बहुपदी ने त्रिघात बहुपदी कहेवामां आवे छे। त्रिघात बहुपदी नु व्यापक स्वरूप एक्स नो घन प्लस बी एक्स स्क्वेर प्लस सी एक्स प्लस डी। घात केटली होय? त्राण। एनु एक्जाम्पल लईए, पहेलू चार एक्स नो घन प्लस पांच एक्स नो स्क्वेर प्लस छ एक्स प्लस सात। तो चार एक्स नो घन, एक्स नी उपर केटली घात छे? त्राण घात। तो कया प्रकार की बहुपदी थी? त्रिघात बहुपदी। बीजु एक्जाम्पल लीए, त्राण एक्स नो घन माइनस चार एक्स स्क्वेर प्लस आठ एक्स माइनस त्राण। आमा पण त्राण एक्स, एक्स नी केटली घात छे? त्राण घात। तो कया प्रकार की बहुपदी थी? त्रिघात बहुपदी। तो मित्रों, आज आपणे पहला भाग में चार टॉपिक विषे बात करी। पहलू चल, बीजू बहुपदी की घात, तीजू बहुपदी एटले शू, अने छेल्ला टॉपिक में जोयुं बहुपदीओना प्रकारों। हवे आपणे नेक्स्ट पार्ट में जोईशुं तेना थोड़ा एक्जाम्पलो अने नवा टॉपिको। अस्तु। चालो विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे थियरी नो अभ्यास कर्यो तेना परथी थोड़ाक उदाहरणों अभ्यास करिए। तो उदाहरण नंबर एक, नीचे आपेली बहुपदीओने सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी अने त्रिघात बहुपदी में वर्गीकृत करो। तो पहलू पांच टी प्लस त्राण। तो तमने ए खबर हो जोइए कि आ सुरेख बहुपदी छे, द्विघात बहुपदी छे के त्रिघात बहुपदी छे। अपने बहुपदीओना प्रकार में आ त्रणे प्रकार की बहुपदी की व्याख्या अभ्यास करियो के जयरे एक घात हो तो तेने सुरेख बहुपदी कहवाय, जयरे बे घात हो तेने द्विघात बहुपदी कहवाय, अने जयरे त्रण घात हो तो तेने त्रिघात बहुपदी कहेवामां आवे छे। तो आ उदाहरण में पांच टी प्लस त्रण, तो टी नी केटली घात छे? एक घात, माटे तेने सुरेख बहुपदी कहेवाय। एक्जाम्पल नंबर बे में एक्स स्क्वेर माइनस नव एक्स प्लस चौदह, तो एक्स नी केटली घात छे? बे घात, अने जयरे बे घात हो तो तेने द्विघात बहुपदी कहेवाय। अने त्रीजो एक्जाम्पल आप्युं छे, नव एक्स नो घन माइनस एकसो एकवीस, तो एक्स नी केटली घात छे? त्रण, माटे तेने त्रिघात बहुपदी कहेवाय। हवे जोईए एक्जाम्पल नंबर बे, नीचे आपेली अभिव्यक्ति छे ते कारण सहित जणावो, अने जो होय तो ते एक चलवाळी बहुपदी छे के नहीं ते जणावो। तो एनु एक एक्जाम्पल जोईए, एक्स स्क्वेर माइनस पंदर एक्स प्लस पचास। आपेल अभिव्यक्ति एक्स स्क्वेर माइनस पंदर एक्स प्लस पचास ए बहुपदी छे, कारण के तेना दरेक पद में चल एक्स नी घात पूर्ण संख्याओ छे। फरी एक वार, कारण के तेना दरेक पद में चल एक्स नी घात कई संख्याओ छे? पूर्ण संख्या। अनुक्रमे कई कई छे? बे, एक अने जीरो। जीरो शा माटे मित्रों? कारण के पचास ए अचल संख्या छे। अचल बहुपदी नी व्याख्या अपने जोई, आपेल बहुपदी एक चल वाली बहुपदी छे जेमा केटला चल होय? एक ज चल छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे याद राखीशुं जे सौथी मोटी घात होय ते बहुपदी नी घात कहेवाय। फरી એકવાર, જે સૌથી મોટી ઘાત હોય એ બહુપદીની ઘાત કહેવાય। જોઈએ તેના એક્ઝામ્પલ, બહુપદીઓની ઘાત જણાવો। તો હમણાં જ મેં તમને કીધું સૌથી મોટી ઘાત એ બહુપદીની ઘાત કહેવાય। તો પહેલું એક્ઝામ્પલ, અગિયાર માઇનસ ટુ વાયનો સ્ક્વેર। તો અગિયાર એ કેવી સંખ્યા છે? અચળ સંખ્યા। અચળ સંખ્યાની ઘાત કેવી હોય? ઝીરો। માઇનસ ટુ વાયનો સ્ક્વેર, તો હવે આ બહુપદીમાં પદ કયું વધ્યું? માઇનસ ટુ વાયનો સ્ક્વેર, તો વાયની કેટલી ઘાત છે? બે ઘાત। તો આ બહુપદીની ઘાત કઈ થઈ? બે। હવે બીજું એક્ઝામ્પલ, પાંચ એ અચળ બહુપદી છે। પાંચ કઈ બહુપદી છે? અચળ બહુપદી, તો અચળ બહુપદીની ઘાત કઈ હોય? ઝીરો। અને ત્રીજું એક્ઝામ્પલ, ચાર એક્સની ચાર ઘાત પ્લસ પાંચ એક્સનો ઘન પ્લસ ટુ એક્સનો વર્ગ પ્લસ નવ।
तो आमा आपेल बहुपदीनी घात चार छे, कारण के सौथी मोटी घात कई छे चार, पछी तेनाथी नानी त्रण, तेनाथी नानी बे, अने अचल संख्यानी घात जीरो। तो आगळ आपणे जोईए नवो टॉपिक, नवी थियरी, सहगुणक एटले शुं। तो जोईए सहगुणकनी व्याख्या। चल साथे जोड़ायेली संख्याने सहगुणक कहेवामां आवे छे। फरी एकवार, चल साथे जोड़ायेली संख्याने सहगुणक कहेवामां आवे छे। तो एक्जाम्पल तरीके नीचे आपेलुं छे, पांच माइनस सात एक्स माइनस त्रण एक्स स्क्वेर में कोनो सहगुणक जणावानो कीधो छे, एक्स स्क्वेरनो। तो एक्स स्क्वेरनो सहगुणक व्याख्या जोई, चल साथे जोड़ायेली संख्या। तो एक्स स्क्वेर साथे कई संख्या जोड़ायेली छे, माइनस त्रण। तो तेनो सहगुणक कयो थाय, माइनस त्रण। तो मित्रों आपणे छ टॉपिक विषे वात करी, हवे तेना परथी तमने होमवर्क आपू छू, तमारे प्रेक्टिस करवानी छे। तो जोईए होमवर्क। प्रश्न नंबर एक, नीचे आपेली अभिव्यक्तिओ पैकी कई अभिव्यक्ति बहुपदी छे कारण सहित जणावो। जो अभिव्यक्ति बहुपदी होय तो ते एक चलवाळी बहुपदी छे के नहीं ते जणावो। प्रश्न नंबर बे, एक्स स्क्वेरनो सहगुणक लखो। प्रश्न नंबर त्रण, बहुपदीओनी घात जणावो, सौथी मोटी घात ए बहुपदीनी घात कहेवाय। अने प्रश्न नंबर चार, जे आपणे सौ प्रथम एक्जाम्पल जोयुं, द्विघात बहुपदी, त्रिघात बहुपदी अने सुरेख बहुपदीमां वर्गीकृत करो। तो आ तमारुं होमवर्क। हवे मित्रों आगळ जोईए नवो टॉपिक, बहुपदीना शून्य। जोईए बहुपदीना शून्य विषे। जो कोई वास्तविक संख्या x माटे p ऑफ x बराबर 0 होय तो ते x ने बहुपदी p ऑफ x नो शून्य कहे छे। फरी एकवार, जो कोई वास्तविक संख्या x माटे p ऑफ x बराबर 0 होय तो ते x ने बहुपदी p ऑफ x नो शून्य कहे छे। अगर बीजो पॉइंट, बहुपदी पी ऑफ एक्स ना शून्य, काउंसमां આપેલું છે, જો તેઓ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય તો। બહુપદી પી ઓફ એક્સ ના શૂન્ય, જો તેઓ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય તો તેને બહુપદી પી ઓફ એક્સ બરાબર ઝીરોના બીજ અથવા તો ઉકેલ કહે છે। જોઈએ તેનું ઉદાહરણ। બહુપદી પી ઓફ એક્સ બરાબર ए एक्स प्लस बी। हवे ए एक्स प्लस बी क्या प्रकार की बहुपदी छे? सुरेख बहुपदी, कारण के तेनी घात केटली छे? एक्स। पण आपणे शुं मेळवानुं कीधुं छे? बहुपदीनुं शून्य। तो मेळवी आपणे बहुपदीनुं शून्य, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। हवे प्लस बी छे बराबरनी जमणी बाजु लई जाओ तो माइनस बी थाय, तो एक्स साथे ए गुणाकारमां छे, છેદમાં લઈ લો તો શેમાં આવશે? ભાંગાકારમાં। તો તેનું શૂન્ય કયું મળશે? એક્સ બરાબર માઇનસ બીના છેદમાં એ। હવે આપણને એક્સની કિંમત મળી ગઈ તો આપણે મૂકી દઈએ બહુપદીમાં, તો એ એક્સ પ્લસ બી। તો એક્સની કિંમત આપણને કઈ મળી? માઇનસ બીના છેદમાં એ પ્લસ બી। તો એ કેન્સલ થાય, હવે માઇનસ બી પ્લસ બી એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા। તો મિત્રો તમે ધોરણ આઠમાં વિરોધી સંખ્યાનો અભ્યાસ કર્યો, ધોરણ આઠમાં વિરોધી સંખ્યાની વ્યાખ્યા હતી, જે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો શૂન્ય થાય તે બે સંખ્યાઓ એકબીજાની વિરોધી સંખ્યાઓ કહેવાય। ફરી એકવાર, જે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો શૂન્ય થાય તે બે સંખ્યાઓ એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા કહેવાય। તો માઇનસ બે અને પ્લસ બી, માઇનસ બી અને પ્લસ બી એકબીજાની કઈ સંખ્યા છે? વિરોધી। તો બેનો સરવાળો કરતાં તમને જવાબ કયો મળશે? ઝીરો। હવે આગળ જોઈએ નવો ટોપિક, બહુપદીનું મૂલ્ય। બહુપદીનું મૂલ્ય તો જોઈએ, બહુપદી પી ઓફ એક્સમાં, બહુપદી પી ઓફ એક્સમાં એક્સના સ્થાને કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા એ લેવાથી p
पी ऑफ एक्स की जे किंमत मळे तेने पी ऑफ एक्स नू ए माटेनु मूल्य कहे छे। फरी एक वार बहुपदी पी ऑफ एक्स में एक्स ना स्थाने कोई वास्तविक संख्या ए लेवाथी पी ऑफ एक्स की जे किंमत मळे तेने पी ऑफ एक्स नू ए माटेनु मूल्य कहे छे तेने पी ऑफ ए द्वारा दर्शावामां आवे छे। जोईए तेनु एक्जाम्पल नंबर एक। पी ऑफ एक्स बराबर त्र एक्स नो स्क्वेर प्लस पांच एक्स माइनस चौबीस नी एक्स बराबर त्रण आगळ किंमत शोधो। फरी एक वार सवाल पी ऑफ एक्स बराबर एक्स नो स्क्वेर प्लस पांच एक्स माइनस चौबीस नी एक्स बराबर त्रण आगळ किंमत शोधो। तो आ बहुपदी में एक्स की जगह केटला मूकवाना कीधा आपने त्रण। तो चलो मूकीए पी ऑफ थ्री बराबर एक्स नो स्क्वेर एट्ले त्रण नो स्क्वेर प्लस पांच एक्स एट्ले पांच गुणिया त्रण माइनस चौबीस। त्रण नो वर्ग केटलो थाय नौ, पांच तेरी पंदर, माइनस चौबीस ना माइनस चौबीस, पंदर प्लस नौ चौबीस, चौबीस माइनस चौबीस केटला जवाब आवशे जीरो। जोईए एक्जाम्पल नंबर बे। चकासो के त्रण अने पांच बहुपदी एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस छ ना शून्य छे के नहीं। फरी एक वार सवाल चकासो के त्रण अने पांच बहुपदी एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस छ ना शून्य छे के नहीं। तो आ सवाल में तमने शून्य आपी दीधा छे, बहुपदी पण आपी दीधी छे, तो अपने शू मेळवानुं छे, शून्य छे के नहीं ते चकासवाना छे। तो शून्य होय ते माटेनी शरत कही दऊं अने शून्य न होय ते माटेनी शरत पण तमने कही दऊं। पहेलुं शून्य होवा माटेनी शरत, जवाब जीरो आवे तो आपेल बहुपदी नुं शून्य छे अने जवाब जीरो न आवे तो आपेल बहुपदी नुं शून्य नथी। जोईए एक्जाम्पल। तो पहेला एक्स बराबर केटला मूकवाना कीधा आपणने त्रण, तो एक्स बराबर त्रण मूकीए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस छ। आ बहुपदी में एक्स की जगह तमारे त्रण मूकवाना छे, तो पी ऑफ थ्री बराबर त्रण नो वर्ग माइनस त्रण माइनस छ, त्रण नो वर्ग केटलो थाय नौ, माइनस त्रण ना माइनस त्रण, माइनस छ ना माइनस छ। तो मित्रों नौ माइनस त्रण केटला थाय छ, माइनस छ, प्लस छ माइनस छ, बने केवी संख्या विरोधी संख्या। तो विरोधी संख्या नो सरवाळो हमेशने माटे केवो आवे जीरो। तो त्रण ए आपेल बहुपदी नु शून्य छे कारण के तेनो जवाब केटलो आव्यो जीरो। हवे जोईए पांच माटे। तो एक्स बराबर पांच बहुपदी आपेली छे एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस छ, सॉरी माइनस छ, पी ऑफ पांच बराबर पांच नो वर्ग माइनस पांच माइनस छ, पांच नो वर्ग केटलो थाय पच्चीस, पच्चीस माथी पांच बात करो तो वधे वीस, वीस माथी छ बात करो तो केटला वधे चौद। तो पांच ए आपेल बहुपदी नु शून्य नथी कारण के चौद इज नॉट इक्वल टू जीरो, चौद ए जीरो नथी। तो मित्र अपने नवा टॉपिक भणिया बहुपदीना शून्य, बहुपदीनु मूल्य, आ बे टॉपिक नो अभ्यास करियो। तेना फरथी हूँ तमने फरी एक वार होमवर्क आपू छू, तमारे तेनी प्रेक्टिस करवानी छे। तो जोईए होमवर्क। पहेलो प्रश्न छे एक्स की किंमतो माटे बहुपदी एक्स स्क्वेर माइनस सात एक्स प्लस बार ना मूल्य शोधो। तो एक्स बराबर एक, एक्स बराबर माइनस बे, एक्स बराबर त्रण, एक्स बराबर चार अने एक्स बराबर एक ना छेद मा बे। एक्स की किंमतो आपी दीधी छे, तमने बहुपदी आपी दीधी छे, ज्या एक्स देखाय त्या तेनी किंमतो मूकीने तमारे मूल्य शोधवानुं छे। प्रश्न नंबर बेनी वात करिए तो नीचे आपेली दरेक बहुपदी माटे p
पी ऑफ वन पी ऑफ टू पी ऑफ फोर शोधो। तो बहुपदी पण तमने आपी दीधी छे, एक्स नो घन माइनस सात एक्स नो वर्ग प्लस चौद एक्स माइनस आठ। तो एक्स की जगह पहला क्यों मूल्य लखवा है तुम्हारे, पी ऑफ वन पची पी ऑफ टू पची पी ऑफ फोर मूकीने तमारे मूल्य शोधवानुं छे। प्रश्न त्रण अने प्रश्न चार बने एक्स समान छे, चकासो के बे अने पांच बहुपदी एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स माइनस पंदर ना शून्य छे के नहीं। चकासो के त्रण अने सात बहुपदी एक्स स्क्वेर माइनस पांच एक्स माइनस चौदह ना शून्य छे के नहीं। तो मित्रों आ तमारुं होमवर्क छे, तमारे प्रेक्टिस करवानी छे। आजे आपणे आ पार्ट वन में चल, बहुपदीनी घात, बहुपदी, बहुपदीओना प्रकारो, सहगुणक एटले शुं, बहुपदीओना शून्य, बहुपदीनुं मूल्य, आटली थियरी, तेना एक्जाम्पलो विशे अभ्यास कर्यो। हवे पार्ट टू में आपणे नवा टॉपिक साथे नवा एक्जाम्पलो साथे अभ्यास करीशुं। अस्तु।